Juice Beats. बहुत स्वागत है एक बार फिर मॉडिफाइड क्लब च। तुसी देख रहे हो मॉडिफाइड क्लब की एक नवी वीडियो, बहुत ही धमाकेदार वीडियो अज की। स्विफ्ट तुम्हें बहुत सारिया देखी होनी साढ़े चैनल पर भी तो होर भी यूट्यूब चैनल से, लेकिन जो अज की स्विफ्ट है ना बा कमाल है। वर्ड्स नहीं है स्विफ्ट वास्ते जिनी प्यारी जिनी कैंट तैयार की है साढ़े भाजी ने। भाजी नाल मिलते हैं, सारी डिटेल से गलबात करते हैं। तो चैनल में करो सबसक्राइब, तो वीडियो में वो लाइक तो शेयर जरूर करो, क्योंकि ये जी स्विफ्ट है ना ये वाकई तो पसंद आने वाली है। तो वीडियो में एंड तक जरूर देखना, सारी कॉस्टिंग सारी चीज़ कितों कम होया किदा होया किहड़े तरीके नाल होया की चीज़ यूज़ हुई है, इहदे च इन्नियां चीज़ां यूज़ हुई ना मॉडिफिकेशन लई मज़ा आ चुका है। करते हैं गल भाजी नाल। भाजी की हाल चाल अपना, अपना की नाम है साढ़े दोस्तों नूं दस्सो, किहड़ी जगह तो बिलोंग करदे? मैं भाजी जशनदीप सिंह मेरा नाम है, तो मैं कपूरथला तो बिलोंग करता। भाजी कपूरथला तो बिलोंग करते हैं, जशन भाजी का नाम है जिदा भाजी ने दस्सिया, तो कम जो कराया ना भाजी ने एक नंबर। थैंक यू भाजी। भाजी मज़ा आ गया, तो जिहड़ा पार्ट मैं गड्डी वाल जिधर घूम लवा साइड ते फ्रंट ते बैक ते हर चीज़ मोडीफाई है। बट असी अज स्टार्ट करांगे म्यूजिक सिस्टम तो। डीडी भाजी केड़ा मॉडल की नंबर, सारी डिटेल थोड़ी जी जानकारी दिओ साडे दोस्तां नूं। भाजी ये डीडी दा 712 मॉडल आ, 712 D4 712 D4 712 डबल कोयल जी, ते इहदी इक वूफर दी पावर हैगी 1200 RMS, 1200 टोटल 2400 RMS बन जांदी भाजी, टोटल 2400 RMS। भाजी जे असी पायनियर या सोनी दा या JBL दा नॉर्मल इक वूफर दी गल करिए किन्ने RMS? 300 RMS भाजी, 300 RMS दा, ते ये 1200 मतलब ओ 4 ते आ 1। गाइज तुसी देख सकते हो कि नॉर्मल जिहड़ा वूफर आपां यूज करदे आ ओ 4 वूफर ते एक वूफर एक बराबर पावर है। तो भाजी ने लगा रखे दो, मतलब इस गड्डी लगे 8 वूफर, आप काउंट कर लीए तो उन्नी ही वधिया इन्होंने भाजी ने बेटी तैयार कराई पूरी, बहुत ही वधिया। तुसी एक बार मैं जीत नूं कहूंगा नेड़े हो गए तुहानूं पूरी दिखाएगा आउटपुट पूरा। भाजी 125 स्क्रू लगे हैं भाजी इस गड्डी दे, 125 स्क्रू लगे हैं भाजी, आउटपुट तां ही बहुत बम है, बहुत ही जबरदस्त आउटपुट है भाजी। इन्ना हैवी साउंड सिस्टम पिछे आपां रख्या वा भाजी, ते प्राइसिंग दसी आप कि एक वूफर का प्राइस कितना है? भाजी 42 to 43 हज़ार रुपये 42 to 43 हज़ार लैके चलिए आप, एक वूफर का प्राइस है 86,000, दो वूफर हो गया, तो पेटी कितनी तैयार हुई? पेटी भाजी 16,000 रुपये, 16,000 रुपये पेटी तैयार हुई। तो एक गल मैं पहले दसदा, जिन्ना हैवी साउंड सिस्टम लगे ना तुम डैम्पिंग देख सकते हो, सारी गड्डी डैम्प है, फ्लोर तक डोरस तक पिछे डिक्की तक डबल डबल डैम्पिंग है सारी, बाहरों भी अंदरों भी पूरी डबल डैम्पिंग है, फ्लोर तक डैम्प है, पूरा फ्लोर भी डैम्प है। मैं फ्लोर अच्छा तुम्हें नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी कम हो चुका है गड्डी का, बट डिक्की तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि गड्डी पूरी डैम्प है, बहुत ही वधिया। भाजी डैम्पिंग के कितने पैसे लगे आपको? भाजी सारी गड्डी दे मतलब फ्लोर ते रूफ ते 25,000 रुपये लगे, रूफ भी डैम्प, रूफ भी डैम्प, रूफ भी डैम्प है 25,000 रुपये। हाँ जी हाँ जी, बोनट भी डैम्प, टोटली बोनट भी, फ्रंट भी, फ्रंट भी डैम्प, ते यार कोई पार्ट छड्या नहीं भाजी ने, टोटली A to Z डैम्प है, ते 25,000 रुपये दे विच डबल डैम्पिंग पूरी ऑल ओवर गड्डी पूरी डैम्प हो गई। भाजी ये मैं गल करा कि इन्ना हैवी साउंड सिस्टम के एम्प जिहड़े लगे, आपां थोड़ी जी एम्प दी प्लेसमेंट रखाइए नाल देख के गल करिए, आपां उह पहले चलते हैं अंदर देखते हैं एम्प दी फिटमेंट। भाजी इत्थे मैं देख रहा एक 4 चैनल एक मोनो, मोनो हाँ जी, रुक 40-25 मोस्टर टैंक कहते हैं भाजी, पावर सीरीज है। हाँ जी हाँ जी पावर, तो भाजी किन्ने किन्ने दे एम्प है दोनों? ये भाजी 175 दी एजडेट च MRP आ, ते विद बिल 125 दा पैंदा जी, 1,25,000, 1,25,000 रुपये दा एक एम्प पैंदा, ते इह वाला भाजी 44,990 रुपये दा भाजी, 1,44,000 रुपये। देखो दो वायरिंग जा रही है, एक ब्लू एक रेड, बहुत ही वधिया काम होया, नीट एंड क्लीन काम होया। जे मैं डिग्गी इहनूं सीट नूं चक दिंदा बंद कर दिंदा तो कोई भी वायरिंग तुहानूं बाहर नज़र नहीं आती, सीट कवर लगे आ गड्डी, उस तो बाद तुसीं देख सकते हो, तो मैट्स देख सकते हो, ग्रास मैट्स वीर ने ग्रीन वाले अपनी अपनी चॉइस के हिसाब नाल वीर ने रखे। मैं देखदा म्यूजिक सिस्टम की गल ही कंप्लीट करिए, तो बुलेट ट्विटर भाजी है भी डीडी के प्रो ट्विटर है, प्रो सीरीज के ट्विटर लगे है अगे भी तो पिछे भी, फ्रंट डोर्स भी मैं दिखा सकता तुहानूं, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਕੋਐਕਸਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਰੋਕਫੋਰਡ ਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੋਐਕਸਲ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈੱਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ 9200 ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਊਅਰਸ ਭਾਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਮਝਾਈਏ ਭਾਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਵੇ ਹਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵੋਕਲ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਚੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਸ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੋਕਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੋਕਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੋਕਲ ਭਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬੇਸ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੌਂਗ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵੋਕਲ ਨੂੰ ਵੋਕਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਵਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਵਧਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਅਰਾਊਂਡ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਲਗਾਏ ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਸਪੇਸਰ ਮੰਗਵਾਏ 50000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਪੇਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ 35000 ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ 35000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2015 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵੁਡਨ ਦਾ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨਾਈਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੇਅਰ ਨੋਬ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੋਰ ਕੱਢੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟੋਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਨਹੀਂ ਅਲੋਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਟਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਿਫਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ 18 inches ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਈਡੈਸਟ ਟਾਇਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜਾ ਟਾਇਰ ਇਹ ਹੈ 2 55 35 R18 ਜੇ ਸਵਿਫਟ ਨੂੰ 18 inches ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਟਾਇਰ ਸਵਿਫਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਇਰ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਸਟਿੱਕਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੋਰਮਲੀ ਸਟਿੱਕਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੇਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ ਟਾਇਰ ਸਟਿੱਕਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੀਸ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿੱਕਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੈਟਰਸ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਟ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਰਬੜ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਰ ਨਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੇਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਜੀਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿੱਕਰਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਟਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂਸ ਟਾਇਰ ਟੈਟੂਸ ਦੇ ਜੀਤ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੋਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਾਇਰ ਸਟਿੱਕਰ ਟਾਇਰ ਟੈਟੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ ਸਪੇਸਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 1 inch ਦਾ ਸਪੇਸਰ ਹੈ ਭਾਜੀ 1 inch ਦਾ ਸਪੇਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
टायर नू बॉडी लाइन तो एक इंच बाहर कर रहा, बहुत ही वधिया लुक दे रहा। तुहानू मैं गड्डी दा चलदी हुई दा भी तुसी देख चुके हो, तो वीडियो दे एंड ते भी गड्डी चलदी हुई दा व्यू जरूर आएगा। गड्डी नू एंड तक जरूर देखना। और तुहानू पूरा जे तुसी पहला दा एक शॉट मिस कर चुके हो चलती हुई गड्डी दा, तां एंड ते जरूर देखना, क्योंकि चलती हुई गड्डी तुहानू पूरा प्रोविजन नज़र आएगा, पूरा व्यू नज़र आएगा कि गड्डी दा टायर किद्दां बाहर ते किन्ना चौड़ी लुक दे रहा, बहुत ही ज़्यादा इनहेंस कर रहा गड्डी नू। ए सी स्पेसर दी गल, इस तों बाद मैं गल करदा कैलीपर कवर भी लगा रखिया भाजी ने, जिहड़ा कि आम देसी काम की करते लोग डिस्क दे जिहड़ा कवर है उहदे उत्ते पेंट मार देंदे आ, रैड गोल्डन या ग्रीन या कुछ भी, बट भाजी ने पूरा ओरिजिनल कवर लगाया। भाजी इहदी किन्नी कॉस्टिंग आई ते स्पेसर दी कॉस्टिंग किन्नी आई? 850 रुपए आई भाई। भाजी प्लीज़ मैं कहूँगा थोड़ा जिहा नेड़े आके साडे दोस्तां लई क्लिपर भाजी, जिदा एक रेड होंगे प्लास्टिक ये स्टील चाहिए भाजी। ये किन्ने का आया? दो पीस ले मैं 850 रुपए भाजी। 850 रुपए के दो पीस से भाजी, जो स्पेसर तुम ये कितों लिते, किन्ने के आए, तो कि प्रोसैस थोड़ा जहा दसोगे? मैं 2016 से भाजी जितने गया उसे ना मैंने माइंड चाहिए कि उसे स्पेसर काफ़ी मैं मार्केट से गया उसे, तो उतने मैंने आइडिया आया कि यार मैं अपने स्पेसर, क्योंकि जो इतने बनते भाजी है ना गड्डी आप सौ जाने या छिबी जाने स्टेयरिंग बबलिंग करना पैदा भाजी, तो उतने ऑन ऑर्डर बनते पीसीडी साइज मंगते हैं, मूटर साइज मंगते हैं, हब साइज मंगते हैं जी, तो वो हिसाब में ऑर्डर किया है भाजी। 2016 के फिक्स किए हुए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये गल सारी आपने मुँह ता नहीं बोली कि प्रैक्टिकली भाजी ने गड्डी चलाई है, तो मैं चाहता कि भाजी ही तुम ऑन फील्ड जो यदा रिस्पोंस है ना वो दे पान, क्योंकि तो मेरे कहे तो भाजी के कहे च बहुत फर्क है। भाजी यूज़ कर रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हें दस रहा कि जो तुम एक वधिया क्वालिटी का स्पेसर यूज़ करोगे ना, तो गड्डी बबलिंग कभी भी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है भाजी, गड्डी भावें 160-170 तक भाजी ने कहते मैं लगाई है, तो मैं बबलिंग की प्रॉब्लम नहीं रही। इस करके जो भी स्पेसर तुम यूज़ करना चाहो, गड्डी में बाहर टायर कटाना चाहो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शर्त एक है कि वो क्वालिटी जी वधिया क्वालिटी की यूज़ किए जाए। इस तो बाद साइड प्रोफाइल तो मैं गल करता भाजी, स्कटिंग जी भाजी यदि लाइट भी ऑन करके दिखाइए आप। स्कटिंग तो तुम देख सकते हो, मैं एक बार साइड स्कटिंग उत्ते साइड प्रोफाइल जितने तुम स्कटिंग की लाइट नज़र आ रही है, उत्थे टायर के अंदर भी लाइट लगी नज़र आ रही है भाजी। यह साइड स्कटिंग उत्ते लाइट्स लगियां, तो जिहड़ियां टायर के अंदर लाइट्स लगियां ने उहदी गल सारी। तो भाजी एक चीज़ होर भाजी ने की, जी साइड स्कटिंग लाइट है ना वो एंड्रॉयड फोन के उत्ते ऐप डाउनलोड होंगी, जिद लाइट चेंज भी हो जाती है जेडे कलर की आप चलानी चाहिए, जिदा हूँ फिलहाल ब्लू चल रही है, यह वाइट भी हो जाएगी, ऑरेंज भी हो जाएगी, जी आप चलाना चाहिए। रोटेशन भी चेंज हो जाएगी, मतलब फ्रंट से जाते हुए तो पिछले भी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक गल है। तो इस तो बाद आप गल करते हैं बैक साइड के उत्ते, बैक साइड के आफ्टर मार्केट लाइट्स भाजी ने लगाई ने भाजी। एक गड्डी वीडियो शायद थोड़ी जी लंबी हो जाए, पर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, स्विफ्ट लवर्स बहुत सारे ने, तो उन्होंने नॉलेज होनी चाहिए कि आप तैयारी कर सकते हैं। पर बैकलाइट्स किन्ने दी आईयां? 14,500 दी। 14,500 थोड़ा जहा भी जी मैं आपको कहूँगा मेरे क्लोज रहो, क्योंकि आप अपने दोस्तों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाई है। बिल्कुल। तो इस तरह भाई स्पॉइलर लगा रखे तुम? बिल्कुल भाई। भाई किन्ने का लगा? 3,500 तक का स्पॉइलर है विदाउट पेंट। विदाउट पेंट, पेंट करा के? पेंट भाई ने इस करके कराया क्योंकि छत भी काली कराई, ये पूरा ही बंद लग रहा है। शार्ट एंटीना भी भाजी वो किन्ने का है? माइंड याद नहीं रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये रैप बहुत वधिया हुई है, बिल्कुल एन बबल एक भी मैं नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही वधिया काम होया थोड़ा। तो पेंट भी जो क्वालिटी की स्पॉइलर की बहुत ही एक नंबर। तो भाजी उस तो बाद मैं देख रहा यार, मैं हूँ मैं यदि इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें कहूँगा, तुम फिर मेरे कैमरे की बैकसाइड जाते हो, प्लीज़ अगे आओ। तो जेड़े तुम कम कराए ना मैंने सिलेंसर का काम दसो, दो नज़र आ रहे हैं की गलबात है, यदि डिटेल तुम दसो मैं ज़्यादा वधिया लगेगा। मैं सिलेंसर भाजी इदा से कि जो अं टायर पाए ना, तो गड्डी के एक स्पेसर से एक प्रोफाइल काफ़ी वड्डी, तो उसने ना गड्डी लोड बो लेंदी सी भाजी। बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि इस कटा लेटर आता एक सिलेंसर आता, वो सिर्फ पोल्यूशन को कंट्रोल कर दे। बिल्कुल ठीक है ना, जो नॉइस घट कर दे। तो मैंने किसी ने कहा कि जो गड्डी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लोड भी बहुत आल्टरनेटर लोड पाने पाना भाजी। बिल्कुल ठीक है। तो दो बैंड तीन बैटरियां, दो पिछे है 100 एंपियर दो डिग्गी बैटरियां वा, एक अगे 100 एंपियर की भाजी। बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली गल है कि तीन बैटरियां तो गड्डी रन हो रही है, क्योंकि इन्ना हैवी साउंड सिस्टम लगा, तो नैचुरली गल है वो जरूरत पेगी। तो भाजी वो करके मैंने उन्होंने कहा कि तू रीमैप कराया था, रीमैप कराया ताकि ना थोड़ी गड्डी ना रिलैक्स होकर चलूँगी। तो मैं जलंधर भाजी डब्ल्यू के रेसिंग पंजाब आया, एक मुंडा रूबी वो को भाजी मैं हॉर्स पावर बधाई थी, 74 BHP आँदी पिछों भाजी, तो 110 BHP की है, कैटालेटर मूव किया वा, टर्बो तो डायरेक्ट स्ट्रेट 5x2 इंच। रूबी भाजी काफ़ी वीडियो साढ़े चैनल पर आ भी चुकिया ने, उन्होंने मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक भी जरूर छड़ांगा। रूबी भाजी गड्डियों मॉडिफाई करने के काफ़ी टाइम साढ़े फेवरेट रहे हैं, जेडे गड्डियों आउटलुक बहुत चेंज कर देंगे ने, तो उन्होंने भी भाजी ने रीमैपिंग का काम करवाया वा। तो भाजी आप थोड़ा जहा डिटेल ज्यादा दसी कि रीमैपिंग कराने गड्डी की फर्क पाया, तुम्हें की फील होया गड्डी गड्डी पिकअप वाइज
ਐਵਰੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੌਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ 74 ਹੌਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਆਰਟੀਕਾ ਦੀ ਬਿਕਦੀ ਹੈ ਇਹ 110 ਹੈ 110 ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ 74 ਤੋਂ ਹੌਸ ਪਾਵਰ 110 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਡੀ ਭਜਾਣ ਚ ਪਿਕਅਪ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਚੁੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 13 ਦੀ 12 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਟ ਗਈ 12 ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੇ ਯਾਰ ਕਈਆਂ ਨੇ 20 75 ਹੌਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 110 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ हर जगह भाजी ने यार कोई छड़ी नहीं गड्डी स्विफ्ट नू भाजी 2015 नू जिन्ना सोना मॉडिफाई कर दिता ना यार मजा आ गया फ्रंट लाइट देख सकते हो तुसी आफ्टर मार्केट भाजी कितना खर्चा नजर आती है नजर आती है डी आर एल साइड से लगे देख रहे हो आफ्टर मार्केट के बहुत ही वधिया भाजी इंडिकेटर भी आप जरूर ऑन करा एक बार चारों पहले लाइट ऑन करिए भाजी हैडलाइट मेन ऑन करिए डिपर मारिए भाजी तो यह देख सकते हो तुम कि दो एच आई डी उपर यूज हुई ने एक आई पी एच प्रोजेक्टर नीचे फोग लैंप के यूज हुआ बहुत ही वधिया काम भाजी इंडिकेटर एक बार चारों ऑन करिए कितने प्लेसमेंट है आफ्टर मार्केट लाइट देख सकते हो ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਐਨ ਸੀ ਐਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਓ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਐਨ ਸੀ ਐਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ म्यूजिक तो बाद आपां सीधे बुलेट चक्के खड़े हैं तो इहदे लई भी कोई स्पैशल रीजन सीगा म्यूजिक मैनू पक्का पता तुहानू पसंद आया होएगा तो पंजाबी गाना सुनना इंस्टाग्राम आई डी दे ना भुलना मॉडिफाइड अंडरस्कोर क्लब 2020 साडी इंस्टाग्राम आई डी है जल्दी जल्दी जाके करो फॉलो तो हुण आपां इहनू चुक के क्यों खड़े हैं इहदे दो रीजन है फस्ट ऑफ ऑल आपां तुहानू दिखाना चाहते हैं कि डैम्प गड्डी जिद्दां भाजी ने दस्सिया कि बोनट भी डैम्प है तुसीं देख सकते हो कोई भी गल जो आपां काम कराया भाजी ने गड्डी नूं असीं उही दसना कुछ झूठ नहीं दसना तो इस तो बाद भाजी मैं गल करता मैं मेन ना वायरिंग दिखाना चाहता था कि वायरिंग तुसी कितनी हाई क्लास यूज़ की है यार जी जी जीरो गेज वायरिंग पूरी तुसी देख सकते हो एन भाजी पूरी किट ही आती है इदा किट होंगी भाजी बड़ी जबरदस्त मतलब ये तुम कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहनी डेढ़ साल हो गया भाजी मैं कोई इशू नहीं आनी नहीं भाजी क्योंकि यार नेचुरली गल जीरो गेज वायरिंग मेरे ख्याल पंजाब से शायद कोई है कि यूज हुई होगी मोस्टली 4 गेज 8 गेज यूज होती है बिल्कुल भाजी बिल्कुल बैटरी भी भाजी वही मैं देख रहा बैटरी दिखाई हुई है जी जी भाजी पिछों बहुत स्टोक बैटरी बहुत थोड़ी होती है अंपेयर बहुत घट होती है सिस्टम अपना 2000 RMS तो प्लस जानते हैं ये किन्ने अंपेयर की बैटरी है 100 अंपेयर की बैटरी कंपनी ना आती 65 की 65 की पैर 65 तो 100 की बैटरी भाई ने चेंज कराई तो 100 अंपेयर की दो बैटरी गड्डी में रखी है रॉकेट की है यही सेम बैटरी दो पीछे पई है मतलब 100 अंपेयर की है 100 अंपेयर की ही पीछे पई है तो भाजी इसका कलर मैं देख रहा कुदरती भाजी मैं एक दिन गड्डी वॉश कर रहा इंजन खोला तो मैं कहा क्यों ना कुछ अलग कर दिए वायरिंग रेड जा रही है बैटरी भी रेड है कवर भी आपा रेड कर देता फुल डिटेल मैं तुम्हें दस दी एक बार आप गड्डी का 360 डिग्री तुम्हें पूरा एक बार घूम के सारा दिखाने फ्रंट लाइट्स IPS प्रोजेक्टर अलॉय व्हील्स ते स्पेसर फिट है पिछले गोल्डन कलर के नाल टायर जिहड़े सब तो ब्रॉड टायर पे है साइड स्कर्टिंग विद लाइट्स उसके बाद बैक लाइट्स देख सकते हो तुम स्पॉयलर ब्लैक छत ब्लैक शा कैंटीना सिलेंसर भी सारा काम तुम्हें मैं डिटेल से दस दिती है तो ये सारी इनफोरमेसन पूरी डिटेल जो भी मैं थोड़े तक लैके आ सकता सीगा
चलती हुई का शॉट जो मैं दसिया की स्टार्टिंग भी सीखा। और जे तुसी स्टार्टिंग तो मिस कर चुके हो तो ध्यान नहीं गया टायर्स के उपर एंड ते जरूर देखना। मैं बड़ा क्लोजली शॉट लिया कि टायर तुम्हें पता लग सकन कि किन्ने वाइड है किन्ने चौड़े टायर बाहर आए हैं तुम्हें जरूर देखने को मिलेंगे। एंड ते भी गड्डी ते जांदी हुई दा शॉट जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो च। ऐसी अज की इनफॉर्मेशन अज की इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।